तो भाई लोग कैसे हो? आई होप कि सारे के सारे मजे में होंगे। तो भाई मतलब मैं क्या ही बोलूं, आई एम स्पीचलेस, बिकॉज यार कभी खुशी कभी गम वाला सीन हो रहा है मेरे साथ। साला कभी खुशी मिलती है एंड दूसरे ही पल गम आ जाता है, एंड कभी मतलब यार सैड फील हो रहा है एंड दूसरी पल खुशी मिल जाती है। अभी मैंने 1 घंटे पहले आपको बताया कि भाई मैं बहुत खुश हूँ, एटलीस्ट अल्लाह भाई पुरम का हिंदी डब वर्जन हमको टेलीविजन पर तो देखने को मिलेगा। एंड उसके 1 घंटे के बाद मेरे को बट्टा बोम्मा का मैंने टीजर देखा, जो कि अल्लाह भाई पुरम का एक हिंदी डबेड सॉन्ग आया है। उसके टीजर को देखने के बाद मेरे को जो दुख हुआ है, मेरे को जो सैड फील हुआ है ना, कसम से मैं क्या ही बोलूं। मेरे को टीजर देखने के बाद बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, वो इसलिए बिकॉज वो टीजर का लेवल देखो, उसका जो सॉन्ग डब किया है उसका लेवल देखो यार, फुल्ली मतलब आपको वो फील आएगा कि अगर आपको ये दिमाग में आ जाएगा, अगर ये हमको थिएटर में देखने को मिलता तो यार क्या ही बात होती थी। मतलब क्या बोलूं आप लोगों को, बिकॉज गोल्ड माइंस वाले की जो डबिंग होती है ना, कसम से उसको थिएटर में एंजॉय करने का अगर मौका मिल जाता था ना, कसम से एक अलग ही फील आता था। एंड यार जो डबिंग दिख रही है, सिर्फ सॉन्ग की डबिंग इतनी जबरदस्त है, तो पूरी की पूरी मूवी की डबिंग में कितना मजा आता था। अच्छा, अभी भी लोगों के अंदर ये कन्फ्यूजन है कि साला इसमें आवाज किसकी होने वाली है, सांकेत मात्र या श्रेयस तालपेड़े की। साला मेरे को समझ नहीं आता कि लोग का दिमाग क्यों नहीं चलता है। एंड इसके ऊपर मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ, इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। बट यार मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि चलो जो हो गया ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं कि साला इसको हम टीवी पे एंजॉय कर लेंगे, इससे ज्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। बट फिर भी यार लीलो की जो गोल्ड माइंस वाले की डबिंग होती है वो जबरदस्त होती है। वैसे ही मतलब अल्लू अर्जुन को इतना बड़ा सुपरस्टार नहीं बना के रख दिए लोग। गेस करो कि अगर ये गोल्ड माइंस वाले होते ही नहीं, अल्लू अर्जुन की हमको डबिंग मूवी दिखाते ही नहीं, तो साला हम अल्लू अर्जुन को पहचानते ही नहीं। एनीवेज यार देखो सीधी सी बात है, अब देखो जो है वो है। एंड जो टीजर की बात करूं यार, देखो इसका ओरिजिनल वर्जन तो एकदम सुपर डुपर हिट है। एंड मैं आपको पहले से बोलता हूं यार, आप कितनी भी कोशिश कर लो, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट ही होता है, बिकॉज एक कोई चीज ओरिजिनल बन गई तो उसके लेवल का बन ही नहीं सकता। तो यार देखो ओरिजिनल वाला फील तो आप डेफिनेटली नहीं आएगा, बट फिर भी सुनने में अच्छा लग रहा है। एंड उसका जो म्यूजिक तो यार वही मतलब ठीक ठाक लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई नॉर्मल जो साउथ की जो सॉन्ग्स होते हैं उसको अगर डब निकाल के देते तो सारा कुछ समझ में ही नहीं आता है, ऐसा कुछ आपको फील नहीं आ रहा है, मतलब सुनने में भी अच्छा लग रहा है। सो ये बहुत अच्छी बात है। एनीवेज यार सच सच बताना, इसका टीजर को देखने के बाद आपके दिमाग में यह ख्याल आया था कि भाई अगर ये थिएटर में रिलीज होता तो साला कितना मजा आता था। एनीवेज अब जो है ठीक है, अब तो 6 डेट का इंतजार है इस मूवी का, हम वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होगा उस पर वहां पर एंजॉय कर लेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।